आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एक सोलर पावर प्लांट कैसे काम करता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक एक चीज बहुत डिटेल्स में समझाने की, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। सोलर पावर प्लांट के बारे में जानने से पहले हमें सोलर सेल के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे काम करता है सोलर सेल। तो स्टार्ट करते हैं। सोलर सेल तीन तरीके का होता है, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन एंड एमोरफस। ठीक है, अब मोनोक्रिस्टलाइन जो होता है वो होता है ब्लैक टाइप का एंड इनका जो एज होता है वो थोड़ा राउंड टाइप का होता है। ठीक है, पॉलीक्रिस्टलाइन जो होता है वो होता है ब्लू कलर का। ठीक है, उसका जो एज है वो स्ट्रेट एज होता है। ठीक है, उसमें कोई भी राउंड टाइप का कुछ नहीं होता, वो स्ट्रेट होता है सीधा। एमोरफस जो होता है उसका कलर जो है वो ब्राउन होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सेल का काम क्या है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में अगर बात करें तो एक सेल दो टाइप की सेमीकंडक्टर से बनता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसका थिकनेस होता है 300 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके बीच में होता है डिप्लेशन लेयर। अब जैसे ही इस सेल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ता है तो क्या करता है, ये सेल उस सूरज की एनर्जी को क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हर एक सेल 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, हर एक सेल। तो अगर दो सेल लेकर हम दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा जो सेल है वो भी 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, 0.5 वोल्ट एंड 0.5 वोल्ट दोनों एक साथ जुड़ कर 1 वोल्ट हो जाता है। तो इसी कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम सोलर मॉड्यूल बनाते हैं। यहाँ पर एक सेल है, एक सेल 0.5 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारे जो सेल्स है वो सेल सीरीज में कनेक्ट करके हम एक मॉड्यूल रेडी करते हैं। उस एक मॉड्यूल में 36 सेल होता है। ठीक है, अगर हम 36 सेल को एक मॉड्यूल में रखते तो वो जो वोल्टेज जनरेट करता है वो 18 वोल्टेज होता है। लेकिन अगर सूरज की रोशनी अगर ठीक कम ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज जो आउटपुट का जो वोल्टेज निकलेगा वो भी थोड़ा फ्लक्चुएट होगा। इसीलिए यहाँ पर 18 की जगह हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, 12 वोल्टेज हमको कॉन्स्टेंट मिलेगा। ठीक है, एक मॉड्यूल में 36 सेल होता है और उससे हमें आउटपुट मिलता है 12 वोल्ट। ठीक है, बहुत सारे मॉड्यूल मिलकर एक पैनल बनता है। ठीक है, एंड बहुत सारे पैनल्स मिलकर एक एरे बनता है जो कि हमें पावर प्लांट में दिखने को मिलता है। ये अब ये तो हो गया वर्किंग सोलर सेल का वर्किंग। ठीक है, अब सूरज जब सुबह को उठता है तो सारा दिन क्या होता है, सूरज अपनी लोकेशन चेंज करता ही रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली सूरज अपनी लोकेशन चेंज करता ही रहता है। ठीक, तो अगर ये जो सोलर जो पैनल्स हैं, ये पैनल्स अगर एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूसली अगर एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, एक टाइम पे सूरज की रोशनी यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही सूरज अपना लोकेशन चेंज कर देगा तो क्या होगा, इसके ऊपर रोशनी ठीक से नहीं पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पर वोल्टेज उतना जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं हम। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है, सूरज को कंटिन्यूसली ट्रैक करते ही रहता है, और ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ये जो पैनल से इसको सूरज की डायरेक्शन में घुमा देता है, जिसके कारण हमें एफिशिएंसी बहुत अच्छा मिलता है। ये हो गया सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, मतलब ये कंटिन्यूसली सूरज को ट्रैक करता ही रहेगा। ठीक है, अब दिक्कत आती है कि ट्रैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सूरज के जो सामने कभी कभी क्लाउड्स आ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर जो वोल्टेज है वो उतना अच्छी तरह से जनरेट नहीं हो पाता। इसीलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो सोलर एरे है उस एरे से फ्लक्चुएटेड पावर को इनपुट लेता है, इनपुट लेकर उस पावर में से मैक्सिमम वैल्यू को चूज करके एक फिक्स्ड वैल्यू को वो आउटपुट कर देता है। ठीक है, जिसका वैल्यू मतलब इनपुट हो रहा है फ्लक्चुएटेड पावर, लेकिन आउटपुट हो रहा है एक फिक्स्ड पावर, मतलब एक मैक्सिमम पावर इसमें से आउटपुट हो रहा है।
मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर को यूज करके हम सोलर एरे के जो एफिशिएंसी है उसे और भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद इस पावर को हम इन्वर्टर में भेज देते हैं। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को थ्री फेस एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब वो थ्री फेस जाकर हम ट्रांसफार्मर में भेज देते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस वोल्टेज को स्टेप अप करके ग्रिड में भेज देते हैं। सोलर पावर प्लांट सिर्फ दिन में काम करता है, ये रात में काम नहीं करता। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।